दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। 2022 की बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्त अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो इस चैनल को मजबूती के साथ पकड़ लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्त ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत इस वाले क्वेश्चन से करते हैं। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1+1/2, 1-1/2, 1+1/3, 1-1/3, 1+1/4, 1-1/4 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करें और 2 में फिर इसमें ये जोड़ें और अपॉन 2 करें तो इस तरीके से सबका करना है काम, ठीक है। तो 2+1 यहाँ से इसको सॉल्व करते ही चलते हैं। 2 + 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी 3/2 इंटू 2 + 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा ही नहीं, 1/2, राइट, बिल्कुल राइट। इंटू 3 + 3, 3 और 1 4, 4/3, ठीक है। 3 + 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा ही नहीं, 2/3। इंटू इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 4 से, 4 + 4 और 1 5, यानी 5/4, ठीक है। अब 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 बचेगा, यानी 3/4 आ जाएगा, राइट, बिल्कुल राइट। अब जो जो कट रहा है वो हम काटते जाएंगे, जैसे 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, इस वाले 3 से ये वाला 3 कट रहा है, इस वाले 4 से ये वाला 4 कट रहा है, ठीक है। और तुम्हारा क्या कट रहा है इसमें, और तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। 2 × 8, यानी 5/8 = 5/8, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्त इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 25 × 63/7 + 27 − 2 का मान क्या होगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। हालांकि दोस्त इसमें बोर्ड मास का नेम लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बोर्ड मास का नेम समझाने लगा तो आधा घंटा लग जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। तो आइए दोस्त इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। 25 × 63, तो हमने 25 × 63 लिख दिया, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्त यहाँ देखिएगा, ÷7, यानी डिवाइड बाई का मतलब होता है इंटू लगा के बाद, इंटू लगाने के बाद 1/7, यानी जो डिवाइड बाई में 7 लिखा हुआ है तो वहाँ से डिवाइड का निशान हटा करके ये 7 1/1 में चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, प्लस का निशान आ जाएगा 27, −2, राइट। अब 7 × 9 = 63, 9 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, 9 × 5 = 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, तो 22 हो जाएगा। +27 − 2 कितना बचा, +25, राइट। अब जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250, 250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 - मंझला ब्रैकेट, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। मंझला ब्रैकेट माइनस के 4 − 3 − 2, इसके ऊपर मोड दिया हुआ है। कभी भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिले और जिसके ऊपर मोड लगा हुआ है, सबसे पहले हमें यहीं से सॉल्व करते चलना है, ठीक है, यानी लास्ट में से हमें सॉल्व करना है इसको। तो जब हम यहाँ तक ब्रैकेट है ये मान लीजिए आप, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो जब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, राइट, और ये वाला माइनस करा, अब ये वाला माइनस कर दिया, 4 लिख दिया, राइट, ये वाला ब्रैकेट लग गया हमारा और मंझला ब्रैकेट हमारा ये चल रहा है, राइट। माइनस बीच में लगा दिया हमने और 3 लगा दिया और मंझला ब्रैकेट लगा दिया और माइनस और 2 लगा दिया, उल्टा हमें इसको सॉल्व करना है। आइए फिर दोबारा से हम 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा 3 बचता है और -3,
ठीक है, और माइनस टू, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तीन से तीन, यानी ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा ये हमारा, बचेगा हमारा टू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मॉड टू इंटू टू माइनस के थ्री इंटू टू माइनस के फोर इंटू टू। सबसे पहले हम इसकी इंटू करेंगे, बाद में हम इसको माइनस करेंगे, हमने मॉड लगा दिया, ठीक। दो की मल्टीप्लाई दो में चार हो जाएगा, माइनस के तीन की मल्टीप्लाई दो में तो छः हो जाएगा, चार की मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो आठ हो जाएगा, यानी माइनस के आठ और मॉड लगा देंगे, राइट, इज इक्वल टू माइनस के आठ और माइनस के छः माइनस के चौदह और प्लस के चार, कितना बचा, माइनस के दस बचेगा मॉड के अंदर, माइनस दस। अब हम क्या काम करते हैं, कभी भी आप एक नियम को याद रखिएगा, जब भी हम मॉड हटाएंगे और मॉड के अंदर माइनस होगा तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो टेन ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसको नीचे से सॉल्व करते जाएंगे, नीचे से सॉल्व करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा आपका, ठीक है। किस तरह से, आइए देखते हैं। इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स इंटू वन अपॉन एट डिवाइड बाई वन अपॉन सेवन, ठीक, वन माइनस वन अपॉन एट, राइट। अब दोस्त यहाँ देखिएगा, जब हम इसकी आठ की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, आठ का मान आठ में से एक को माइनस करते हैं, सात बचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, सात बटे आठ हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सात बटे आठ। अब ये वाला आठ चला जाएगा हमारा ऊपर, राइट, सही तरीके से दिखेगा इसको, वन अपॉन सिक्स इंटू वन अपॉन आठ डिवाइड बाई वन अपॉन वन माइनस सात बटे आठ, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब इस आठ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आठ का माट आठ में सात को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, एक, यानी वन अपॉन एट हो जाएगा ये, वन अपॉन एट, और ये वाला एट चला जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है, यानी अब ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर आठ, ठीक। अब डिवाइड बाय का निशान यहाँ से हटाएंगे, यानी इंटू का निशान लगाएंगे और ये वाला आठ चला जाएगा नीचे अपॉन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाया और यहाँ पर वन अपॉन एट आ गया है, अपॉन में आ गया। इस आठ से ये आठ कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर वन बचेगा और ये वन चला जाएगा ऊपर, जब वन की मल्टीप्लाई वन से होगी तो वन आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा वन अपॉन सिक्स, और ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो आइए देखते हैं, प्लस लगा करके फाइव अपॉन सिक्स आ जाएगा हमारा, प्लस फाइव अपॉन सिक्स। अब जब हम यहाँ से छः यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, पाँच और एक छः, यानी इससे ये काट देंगे, इज इक्वल टू वन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू एंड टेक केयर।